नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीनट मिल्क शेक। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार पियेंगे तो जान जाएंगे कि कितना टेस्टी है। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हमें एक पैन रखना है, फिर हम उसमें 2 गिलास दूध डालेंगे। दूध को हमें अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए हम उसमें चीनी डालेंगे। अब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, अब हम उसमें चीनी डालेंगे। मैंने 2 गिलास दूध लिया था, इसलिए मैंने इसमें 1/3 कप चीनी डाला है। आप अपने हिसाब से चीनी डाल दीजिए। ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा चीनी डालिए, या फिर कम भी कर सकते हैं। अब उसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा ठंडा दूध में मिक्स करके हम उसमें डालेंगे। धीरे धीरे करके डालना है, मिक्स करते जाना है। आप धीरे धीरे करके कस्टर्ड पाउडर की जो मिक्सर है उसको धीरे धीरे करके ऐड करना है। इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। अब ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/8 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 मिनट के लिए बॉयल करके हमें गैस बंद कर देना है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम एक पेस्ट बनाएंगे, ये है रोस्टेड पीनट्स, जिसको मूंगफली कहते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडे दूध डालकर इसको अच्छी तरह से एक फाइन पेस्ट बनाना है। अब हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। मैंने इसमें जो दूध ऐड किया था वो बॉइल्ड उबला हुआ दूध था। अब हम इसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसे ठंडा होने के बाद थोड़ा फ्रिज में रख दीजिए। आप इसे ठंडे ठंडे इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो पे। टाटा बाय बाय।